अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हूँ, मज़े में। मैं समीर बोदा फिर आ गया हूँ अपना न्यू व्लॉग लेके। आज ये भाई हमारे साथ बैठे हुए। राउटर को तो छोड़ो, राउटर क्या करोगे इस कोडियो को आप? हाँ, क्या नाम है आपका बताओ? मोहसिन भाई बैठे हैं हमारे पास, न्यू ज्वाइनिंग है। काम वगैरह सिखाएंगे इनको माशाल्लाह से। आज के बाद मोहसिन भाई को उस्ताद बन के दिखाएंगे, है ना? है ना, फुल काम सिखाएंगे इनको इंशाल्लाह। गाइस अभी हम जा रहे हैं दाल फ्राई लेने के लिए और रोटियां लेने के लिए। अभी मोहसिन भाई हमारे साथ आगे आ गए हैं। मोहसिन भाई छुप छुप के आ रहे हैं, आप क्यों? हम दोनों जा रहे हैं, मैं और मोहसिन भाई। मोहसिन भाई बताओ कुछ, क्या क्या खाना पसंद करोगे आप? दाल फ्राई सही रहेगी आपके लिए? दाल फ्राई से आपका पेट माशाल्लाह फुल हो जाएगा, या शाही दाल वगैरह लेंगे? अरे यार बताओ तो सही यार, इतना शर्मा रहे हो आप यार। आजकल ऐसी महंगाई हुई है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। बस ऐसा दुख होता है, बंदा खाए या पेट्रोल भरवाए या घर का किराया पूरा करे, क्या करे बताओ। तो ये तो बताओ, इतना शर्माते हो आप हर वक्त यार, बताएं। हाँ मोहसिन भाई, आप अपनी वीडियो भी नहीं बनवाने दे रहे हमें, बोल रहे हो मैं आप फेमस नहीं होना चाह रहा ये वो। बताओ ना यार, हम तो ओके दिखाएंगे आपको। मोहसिन भाई हम तो ओके दिखाएंगे आपको। गाइस अनकरीब हम वारिस होटल की दूसरी ब्रांच पे अनकरीब है, वहाँ पहुँचेंगे। फिर दाल फ्राई रहेंगे, दो तीन रोटियाँ नहीं, 10-8-9 रोटियाँ लेंगे। 4-5 बंदे ही हैं हम लोग, वहाँ जा रहे हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं वारिस की दूसरी ब्रांच पे और अभी हम होटल के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये अभी जा रहे हैं होटल के अंदर गाइस, ये आगे आपको बताते हैं। सैलून वगैरह का सिस्टम यहाँ पर है पूरा, रोटी वगैरह का सिस्टम यहाँ पर है। अस्सलामुअलैकुम भाई, देना और 8 रोटी। दाल फ्राई की थैली आ गई है, ये 8 रोटी का कागज़ भी आ गया है गाइस। जा रहे हैं, बकाया पैसे भाई से ले लिए। मोहसिन भाई ये लो, आप रोटियां लो, जल्दी जाओ भाई जान। ये एक दाल फ्राई दे देना यार, कड़क बना के देना। हाँ तेल नहीं डालना इसमें ज़्यादा। माशाल्लाह इनके दाल फ्राई तैयार है, देख सकते हो आप गाइस। भाई हैं किचन वाले, क्या नाम है भाई आपका? अनवर अली। अनवर अली भाई हैं भाई, ये पूरा किचन संभालते हैं माशाल्लाह। और सालन है इनके पास, आए हैं यहाँ पर, बारिस की दूसरी ब्रांच है, यहाँ पर आए हैं। सालन रोटी खाएं मज़े से, आके इंजॉय करें। यहाँ पर चाय भी इनकी बहुत ज़बरदस्त, टॉप लेवल की चाय है इनके पास। अभी सालन वगैरह ले लिया है, अभी मोहसिन भाई को भेजा हुआ है वहाँ रोटियाँ लेने के लिए, वो वहीं पर खड़े हैं। एक दो तीन दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला आज मैं व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखाऊँगा, वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगा, और आपको फ़नी वीडियो भी दिखाऊंगा व्लॉग में। आज मैं वो शोल करने वाला हूँ आज व्लॉग। अभी मौसम तो ऐसा हो रहा है कि बारिश होने वाली है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कल यहाँ पर बारिश हुई थी, मैं यहाँ पर था नहीं, मैं शाह फैसल कॉलोनी गया हुआ था, वहाँ पर भी बड़ी तेज़ बारिश हुई, लेकिन मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ था तो मैं निकालना भूल गया था। आज मौसम तो बड़ा ख़तरनाक हो रहा है भाई, लगता है बारिश आने वाली है। देखो कितना अगवानियों का छोटा बच्चा, और ये देखो कैसे कचरा मेर रहा है, कैसे अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है। हाँ भाई कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? हाँ मज़े में हो? बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों को, पर होता है कि इनको गोद में गोद ले लूँ। कौन भाई? भाईजान कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? भाईजान यार 70 रुपये की दही तो दे देना यार, मलाई डाल देना उसमें। हाँ देख रहा हूँ मैं आपको यहीं से। भाई जी बहुत अच्छे हमारे दोस्त आ रहे हैं, माशाल्लाह इनकी दुकान है चौधरी मिल्क शॉप, आप आएँ यहाँ से दही वगैरह लें, दूध वगैरह लें, सारा सिस्टम होता है इधर। ये भाई की भाई ने दही दे दी है, शॉपर में डाल के दो ना भाई, मोबाइल में बोलना। हाँ तो मोबाइल में भी बोल रहा हूँ यार, आप शॉपर में तो डाल के दो। शॉपर तो यहाँ रखे हैं लेकिन आप डाल के नहीं दे रहे यार। सईद भाई ने मना किया। किसने? सईद भाई ने? सईद गनी के आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदार है आपका? रिश्ते में सईद गनी, इनका पता नहीं क्या लगता है, यही बोल रहे हैं कि सईद गनी हमारा रिश्तेदार है। अभी इन्होंने दही दे दी है मलाई डाल के, तो ये बता रहे थे कि सईद गनी हमारा रिश्तेदार है। मैंने हैरान हो गया, मैंने बोला वाह भाई वाह, सईद गनी इनका रिश्तेदार है। पता नहीं सईद गनी इनका क्या लगता है, मामू लगता है, चाचू लगता है, ये तो इन्हीं को पता होगा ना, हमें तो उतना नहीं पता। लेकिन जो भी है बड़ा मजाकिया था यार।